आज हम लोग क्लास 10th का गृह विज्ञान का दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये तीन प्रश्न हम लोग लिखेंगे आज। पहले वीडियो में मैं पहले प्रश्न का उत्तर लिख दी हूँ, ठीक है। और कोई कमेंट आया नहीं है इस पर कि और बढ़ाना है कि घटाना है कि छोटा करना है कि बड़ा करना है। तो आज मैं दूसरे प्रश्न लिखवा रही हूँ जो 254 शब्दों में लिखना है। इसका प्रश्न है, गृहिणी के लिए आय व्यय का बजट बनाकर गृह प्रबंध करना शक्त है, ठीक है। तो अब इसका आंसर है, गृहिणी अपना आय व्यय का बजट बनाकर उसी के अनुसार अपना खर्च करती है। महीने का जो खर्चा होता है उसके लिए वो बजट बनाती है कि कौन सा सामान कितना एक महीने में लगता है, ठीक है। तो उसको बजट कहा जाता है। तो आय व्यय के उचित संतुलन से ही कुशल अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। अगर बजट जो है संतुलित बने, जैसे जो आय है उसके हिसाब से खर्च, ठीक है, खर्च बने, तो अर्थव्यवस्था जो होता है, जो घर है, वो अच्छी तरह से चलाने में सुविधा आती है गृहिणी को, इसलिए वो बजट बनाती है, ठीक है। बजट बनाने से ये जो फिजूल के जो खर्चे होते हैं वो भी नहीं, वो भी कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी परिवार का सदस्य जो है ऋण या कर्जा जो है वो नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो पूरी की जा सकती है अगर हम लोग बजट बना लेते हैं, तो किस मेंबर को क्या चाहिए उसकी आवश्यकताएं हम लोग पूरी कर सकते हैं। इसके बाद से जो है इसका बजट बनाने से क्या होता है कि जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें मतभेद, जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, कि मतलब ज्यादा पैसा रख लिए हो, खर्च नहीं किया गया है, मतलब इस तरह का कोई मतभेद नहीं होगा, एक दूसरे में कोई झगड़ा नहीं होगा, और सभी जो है एक मित्र के जैसा, जैसे एक फ्रेंड होता है ना, वैसे सभी लोग। इसके बाद से बजट बनाने से भी है कि भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ बचत आदमी कर लेता है, ठीक है, कुछ बचत हो जाता है वो जो भविष्य में काम करता है, जैसे शादी ब्याह में काम करता है, या फिर किसी फेस्टिवल में काम कर देता है, या फिर जो है कोई उस दुर्घटना के लिए वो कुछ है, मतलब कुछ बचत कर लेता है। इसीलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। ये मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर इतना लिख दी हूँ। अब इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग लिखेंगे, फोर्थ भी आज ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये दीर्घ उत्तरी का तीसरा प्रश्न है, देखिए, पहला दूसरा आप लोग लिखे हैं और ये तीसरा है। बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, मदें कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक के महत्व का वर्णन कीजिए, ये है तीसरा प्रश्न। तो उत्तर है, बजट की प्रमुख मदें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं मनोरंजन व्यय, अन्य व्यय और बचत, ठीक है। अब इसको वर्णन करना है, इसको संक्षेप में लिखना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग भोजन, भोजन के बारे में, तो भोजन सभी लोग जानते हैं, भोजन मीन्स क्या होता है, फूड जो हम लोग खाते हैं तो उसको कहते हैं भोजन, ठीक है। तो अब देखिए, अगर भोजन है तो बजट निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। ये जो है भोजन जो है, बजट अगर बनता है घर का एक महीने का, तो सबसे पहले जो है जो है कि भोजन, भोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो है पानी और कपड़े के बिना तो इंसान रह लेगा, मकान भी नहीं, अगर बढ़िया है, थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो आदमी उसमें भी रह लेगा, लेकिन बिना भोजन का आदमी नहीं रह पाएगा एक दिन भी। तो भोजन पे ज्यादा ध्यान, फोकस ज्यादा रहता है, सबसे पहले फोकस उसी पे जाता है, भोजन पर। तो बजट जो है निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्व जो है ये सबसे पहले आता है भोजन, ठीक है। परिवार किसी भी स्तर का हो, कि मैं बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, या कम कमाने वाला हो ज्यादा कमाने वाला है, एक बड़ा सा भाग जो है यानी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है भोजन पर जरूर जाता है, उस पर खर्च किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जीने के, ठीक है। तो अगर कम धन में परिवार को पौष्टिक और उचित व्यवहार और मतलब विकास तथा स्वास्थ्य वर्धक भोजन जो है ये देने, मतलब प्रबंध करना जो है एक गृहिणी का काम होता है, जो ये होम साइंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद से वस्त्र है, वस्त्र ये सेकंड पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है भोजन के बाद से। ये भी जो है लाइफ में बहुत जरूरी है। आजकल देख रहे हैं बहुत फैशन बढ़ता जा रहा है, तो फैशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो है कपड़े या वस्त्र पहने जाते हैं, मैचिंग मैचिंग करके वस्त्र पहने जाते हैं। जिस तरह का कपड़ा है उसी तरह का ये आपका सैंडल रहेगा, जूते रहेंगे, मतलब ये सारा चीज। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से जो मास्क लगा रहे हैं सब बच्चे, वो डेस्क से मैच करके लगा रहे हैं सब, ठीक है। तो अब ये फैशन का दुनिया है, इसलिए अब दूसरा पर आता है वस्त्र, ये जरूरी है, सेकंड जो है आवश्यकता है, ठीक है। तो गृहिणी जो है मौसम के अनुसार ना परिवार के सदस्यों के लिए सस्ता और टिकाऊ वस्त्र खरीदती है, ठीक है ना, उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आवास, आवास में सोता है घर में, तो अगर अपना निजी घर है तब भी उस घर पर कुछ तो कुछ खर्चे आते हैं, जैसे टैक्स भरना होता है या कहीं टूट गया है मकान तो उसको उसका मरम्मत करवाना है, उसके अलावा जो है अन्य खर्च भी आते हैं जो मकान वगैरह पर है। और अगर अगर निजी मकान नहीं है तो जो है कि किराए पर मकान लेना पड़ता है, तो जो बजट है उसको उस हिसाब से बनाना चाहिए, ठीक है। आप देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आजकल देख रहे हैं सभी लोगों का फोकस जो है शिक्षा पर काफी हद तक है, सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, मतलब कुछ मतलब ऐसा उम्मीद सभी लोग रखते हैं, इसलिए वो लोग या तो लिटिल फ्रंट है परिवार के अन्य यानी इसके अलावा जो भी खर्चा होते हैं, जैसे बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, या ये फर्नीचर है, ये सारे फर्नीचर है, साज सजावट है, सामग्री है, या फिर मान लीजिए अपने सुविधा के अनुसार जो उपकरण खरीदते हैं हम लोग, जैसे कुकर है, जल्दी भोजन बनाने के लिए कुकर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ओवन है, टोस्टर है, ये सारे चीज जो खर्च आते हैं है? अगर मान लीजिए कि अगर वो मिक्सर नहीं है, मिक्सी नहीं है, तो सिलबट्टे भी आदमी काम चला सकता है, लेकिन आदमी अपने जो है कम समय, अपने समय को बचाने के लिए, जल्दी काम फास्ट करने के लिए जो है ये सारे उपकरण जो खर्च किया जाता है, इसको अन्न व्यय किया जाता है, मतलब कहा जाता है इसको, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका बजट का प्रमुख मंदे कौन कौन से होते हैं, तो लास्ट में आता है आपका बजट, ठीक है। तो बचत सबसे जरूरी है, एक गृहिणी को चाहिए कि सारा कुछ, ये सब सारा जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे व्यय करने के बाद से कुछ जो है आय में से कुछ हिस्सा जो है बचत भी कर ले, ताकि वो आगे चल के जो भी खर्चे होते हैं, जैसे विवाह हुआ, चाहे शिक्षा पर हुआ, चाहे बीमारी पर हुआ, या कोई एक्सीडेंटल हो गया काम, तो उस पर वो खर्च कर सके। तो ये प्रश्न जो तीसरा है, ये सारे जो है आप लोगों को लिखना है और याद भी करना, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को देख लीजिए और आराम से बैठ के घर पर लिखिएगा, और इसका चौथा प्रश्न भी वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज दूसरा, तीसरा और चौथा, तीन क्वेश्चन आज लिखवाए हैं, आप तीनों लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद से मैं जो है छोटा छोटा क्वेश्चन जो 25 से है, और मतलब 20 से 25 वर्ड्स में जो लिखा जाएगा उसको लिखवाऊंगी। थैंक यू। ये दिलगुप्तरी का चौथा क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है पारिवारिक बजट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना, उपयोगिता इसका है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस इसका है, क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो पारिवारिक बजट की उपयोगिता निम्नलिखित है, देखिए क्या क्या इसमें लाभ होता है, देखिए उपयोग क्या होता है, देखिए गृहिणी को लाभ, उसके बाद से अर्थशास्त्री को लाभ, सरकार को लाभ, समाज सुधारक को लाभ, और फिर इसके बाद से इसमें पॉइंट है गृहिणी को लाभ, गृहिणी को क्या क्या लाभ होता है अगर वो बजट बना लेती है, तो क्या क्या लाभ उसको मिलता है, वो है पहला है देखिए ऋण मुक्त, ठीक है। तो पहले उसका लाभ होता है कि बजट बना लेने से गृहिणी जो है ऋण मुक्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो बजट के हिसाब से ही अपना खर्चा चलाएगी, तो जो है ऋण मुक्त रहेगी। और दूसरा है व्यय पर नियंत्रण, यानी जो व्यय होता है यानी अधिक खर्चा जो होता है उस पर नियंत्रण, तो बजट बनाने से गृहिणी जो है कि उसी सीमा के अंदर, उस दायरे के अंदर जितना उसका आय होगा उसी के अंदर वो खर्चा करेगी। तीसरा है आय का
यानी पैसे का उचित उपयोग, तो बजट बनाने से वो कहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है उसी को पहले करेगी, उसी पर खर्चा करेगी, उसी पर ध्यान देगी, ठीक है। तो ये बजट बनाने से उसको लाभ मिलता है। उसके बाद से देखिए परिवार के सदस्यों का आवश्यकता को, तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी अपनी अपनी जो है इच्छाएं होती हैं, और अगर बजट बना लेती है गृहिणी तो वो उस हिसाब से सबका जो है क्रम वाइज यानी वन बाय वन सबका जो भी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सकती है। और पांचवा पॉइंट है आय व्यय का सामंजस्य। मैंने सामंजस्य मैंने इक्वालिटी होना चाहिए बराबर, मतलब कोई खर्चा अधिक नहीं होना चाहिए जो भी इनकम है उससे, तो उसका उसी को कहा जाता है सामंजस्य, यानी दोनों में इक्वलिटी होना चाहिए। बजट बनाने से परिवार में मतभेद नहीं होता है और जो परिवार है वो सुख शांति से चलता है, ठीक है। इसके बाद से है आपका मित्र व्यवहारिकता का की आदत, यानी जब बजट बन जाता है तो सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि हाँ हमारी आमदनी कितनी है, कितना खर्चा होता है, तो कोई भी मतलब कुछ नहीं कह सकता है और सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे उस परिवार में, ठीक है। आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ कोई भी बजट बनाए तो बचत करने का जो बजट है वो रहना चाहिए, ठीक है। इसको बचत करना चाहिए क्योंकि कब कैसे आवश्यकता पड़ सकती है उसको ध्यान में रखकर जो पेमेंट है, जो तनख्वाह है, उसका कुछ हिस्सा जो है बचत करके रखना चाहिए। अब इसके बाद से इसमें पारिवारिक बजट की उपयोगिता में, अब ये गृहिणी का तो था, गृहिणी का हम लोग पॉइंट देखे हैं, 7 पॉइंट है। इसके बाद से है अर्थशास्त्री का लाभ। तो अर्थशास्त्री का मतलब है बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों का लाभ होता है, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति जो है, जो उनकी कंडीशंस है उसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है, सरकार को। और सरकार को जो टैक्स वगैरह जो होता है, मतलब जो टैक्स लगाते हैं, तो उस पर फाउंडेशन लग सकता है, ठीक है, विभिन्न वर्गों पर जो भी टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है, तो उस पर ये रोक लगा सकते हैं लोग, इसकी वजह से मतलब अर्थशास्त्र पर भी उस पर लाभ होता है। और इसके वजह से तीसरा है सरकार को लाभ, सरकार को किस तरह से इनडायरेक्टली लाभ कैसे मिलता है बजट बनाने से। अगर बजट बनता है तो सरकार जो है आर्थिक स्थिति जो भी है, ठीक है ना, सबका अभी देखिए जब लॉकडाउन दो दिन जब खुला है लॉकडाउन, तो हम लोग देखे हैं टीवी में कि शराब के लिए कितना मतलब लाइन, ऐसे तो लग रहा था किसी के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन थोड़ा सा छूट मिला है तो लोगों की कतार लग गई है, शराब भट्टी पर जितना है, दुकान वगैरह सब पर जो है कि मतलब इतना लाइन लग गया था, तो अब उससे सरकार को मान चल जाता है कि मतलब लोगों के पास जो है पैसा रुपया है, उनके पास कोई कमी नहीं है, तो ये बजट बनाने से सब मालूम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है समाज सुधारकों के लाभ। अब समाज में जो है ये जो शराब जो बिका है वो जो है हानिकारक है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो समाज सुधार कैसे हो सकता है। तो अगर बजट बनता है तो जो भी जितने भी वर्ग के लोग हैं उनके बारे में, क्या अमीर है कि गरीब है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है सरकार को, ठीक है। और जितने जो पिछड़े जाते हैं उनका स्तर जो है, उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको उठाने के लिए वो लोग बहुत प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, ऊपर उठ सके, वो भी इक्वालिटी में आ जाए, क्योंकि वो भी जो है भारत के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, तो उनको भी उठाने का बहुत कोशिश करती है सरकार, तो और उनका जो शोषण होता है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो अभी बजट बनाने से ये सारी सुविधाएं मिलती है। गृहिणी के लिए अलग होता है, 7 पॉइंट्स होता है, इसके बाद से बाकी सब जो है सरकार का ही होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है इनडायरेक्टली सरकार को भी लाभ मिलता है। अगर इस जो भी मैं लिखवाई हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी है तो ये 250 शब्दों में ही लिखना है, तो 250 वर्ड्स में ही लिखना है, तो इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं, और बाकी इसको चाहे तो हम इलेबरेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अगर हम इसको पढ़ते हैं, और इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो कुछ और भी बढ़ा कर सकते हैं।
है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। थैंक यू।